दस पंद्रह मिनट के बाद में और हम में लेके चला गया और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया अच्छा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था पहले कभी भी ना कोई हमारी किसी से वो दुश्मन आई है और हमने मैंने तो कुछ पता ही नहीं है मिला के मतलब जो हत्यारे हैं वे दोस्त थे इसके हाँ वो साथ उठने बांटने वाले ही थे साथ इनके और उन्हीं के साथ जिसके साथ हादसे हुए हैं जिन्होंने हुआ है चीजें एच आर न्यू का विक्रम जांगड़ा की राम राम हाल फिलहाल कलिंगा गांव केंद्र बैठा हूँ भाई तीन दिन पहले का मामला है इस घर का एक लड़का जिसका नाम नवीन उसकी हत्या कर दी गई भाई रोज आना आप ये मामले देखो कि कोई किए किसी न कोई मारन लग रहा है किसी कोई मारन लग रहा है समझ में यूं नहीं आने लग रहा कि आखिर हमारे समाज को हो के गया हरियाणा को क्यों हो गया क्यों लोग एक दूसरे को मारने लग रहे हैं क्यों एक दूसरे को देख कर खुश नहीं है ऐसा क्यों हो गया और किस चीज़ की चाहत है जो एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर हो रहे हैं ये जो मामले हम रोज देख देख कर देख देख कर आप लोगों को दिखा दिखा कर बिल्कुल थक गए हाँ लेकिन ये वारदात रुकने का नाम नहीं ले लग रही नाम क्यों नहीं लेने लग रही क्योंकि कानून जो है कोई कड़ी प्रक्रिया नहीं अपना कोई बढ़िया कानून नहीं लेकर आंदा इसलिए ये वारदात रोजाना नई नई देखना आप लोगों ने मिलने लग रही है सरकार कोई बढ़िया प्रक्रिया अपनावे कोई बढ़िया कानून लेकर आवे जो इन बढ़िया दंड मिल सके मैं तो नूकू कि जो भी किसी की जान ले जान के बदले जान यानी कि उसको फांसी तोड़ना चाहिए ताकि कि किसी का डर भय हो जाए और ये जो कारनामे रुक जाए एक मिनट नहीं लगाते किसी का परिवार उजाड़ देना एक मिनट नहीं सोचते कि किसी का, कि, कि, का बेटा किसी का भाई किसी की चिराग जावे तक चल जा इस घर में जिस घर में मैं बैठा हूँ आज तक चार पांच दिन पहले बहुत खुशी थी बढ़िया है, सब ऐसे खुशी परिवार जीन लग रहा था सारे अपना अपना काम में व्यस्त थे लेकिन आज इस खरड पर बैठे सारा परिवार बाहर रिश्तेदारी आने लग रही हैं क्यों क्योंकि तीन दरिंदा ने मिलकर इस परिवार का सुख चैन चीन छीन लिया और इस खरड़ पर बिठा दिए इस परिवार वाले इनके रिश्तेदार इ पूरा मामला क्या था इन तक जानांगे के कारण था क्यों नवीन की जो है हत्या करी गई है और इसमें दोषी हैं वे कौन हैं सजा मिली है कि नहीं मिली है प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी है या नहीं करी है इस परिवार से जानेंगे मेरे साथ में जो ये भाई बैठा है नवीन का चाचा है पिताजी हैं और परिवार वाले हैं इनसे बात करेंगे राम राम जी राम राम जी एक बार सबसे पहले नाम बता दो मेरा नाम जय प्रवेश है जी मैं चार न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे आप बातें उठाने का मौका मिला कहने का मौका मिला ठीक है जी हमारे साथ ये हादसा सोमवार को हुआ शाम को जी साढ़े छः सात बजे गांव के तीन युवक आए उनका क्या आपसी वो था कुछ हमें पता नहीं चला आज तक अभी तक और पहली बार ये ऐसा उनका ऐसा झगड़ा हुआ कि यह झगड़े के अंत जो हुआ वो मौत हुआ जिसकी वजह से हमारा परिवार का एक चिराग चला गया और हमारे ये बड़े भाई बैठे हैं इनका बड़ा लड़का था वो तो ये गांव पे गए हुए थे सापला काम करते हैं राजमिस्त्री हैं राजमिस्त्रियाँ काम करते हैं तो वहाँ से जब आए तो तब इन्होंने हालत देखी तो फिर ये भिवाणी लेके गए भिवाणी जी लजाते वक्त रस्ते में ही दम तोड़ दिया उसको जो हम फिर पहुंचे मैं भी गुड़गांव रहता था तो वहाँ पहुंचे तो देखा तो उसको बहुत चोटे थी उसके शरीर पर सर पे पीछे पीठ पे काफ़ी चोटें आई हुई थी जिसकी वजह से वो लंबी जिंदगी जी नहीं सका जल्दी उसने अपना दम तोड़ दिया उसके बाद पूरा परिवार में एकदम से माहौल पूरा गमगीन हो गया अब यह अचानक एकदम से हुआ तो कैसे हुआ तो उसके बाद व्यवस्था जो पुलिस ने अपनी करी है उन तीन लाख बच्चों के नाम पता चले तो रात को ही पुलिस ने उनको उठा लिया था वो अभी पुलिस कस्टडी में है और लड़के का जो अंतिम संस्कार हुआ अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद हुआ बाकी परिवार अभी दुख की घड़ी में इकट्ठा है बैठे हैं सब लोग तो ये वारदात हमारे साथ हुई है जी अचानक हादसा हमारे साथ हुआ है ये जो नवीन था इसकी उम्र कितनी थी ये उनतीस साल का लड़का था जी ये ट्रांसपोर्ट में काम करता था बड़ोता गुजरात और पिछले तीन चार दिन से ही गांव में आया हुआ था हाँ जी तो अचानक इस बात पे वाद विवाद हुआ तो हमारे को तो जानकारी नहीं चली इस चीज़ की अब इस चीज का खुलासा क्लियर नहीं, नहीं हो पाया बट इतना पता है कि हमारा घर से चला भी गया भी भी भी। जैसे देखो मतलब आप बता रहे हो उनतीस साल की उसकी उम्र थी ट्रांसपोर्ट में जो नौकरी कराया करता मतलब एक नॉर्मल अगर तरीका था पर देखा तो बालक का व्यवहार मतलब देखो कई ऐसे और अलग टाइप के जिस मतलब उसके सर्कल जो हुआ है सर्कल की बात यह है जी वो बाकी तो कमाड़े खाने वाला लड़का था लेकिन एक तो थोड़ा नशा का गायब था बीड़ी बीड़ी पी लेता था, था नशे वाली ये वाली चीजें उसमें थी बीड़ी पिया करता थीड़ी नशे नशे की बीड़ी जो होती है जो नॉर्मल आजकल गांव में माहौल खराब हो रहा है जिसकी वजह से उस चीज़ का आदि वो भी बन चुका था और जो लड़के तीन थे वो भी इस चीज़ के आदि थे हाँ तो कहीं ना कहीं किस बात पे विवाद हुआ इस चीज़ का हमारे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो गया इस चीज़ का मेरे बार पिताजी बैठे हैं नवीन के एवर से बात करेंगे होशक है कि कुछ इसी बात हो जो इन्हें पता लगी हो पहले इन्होंने देखी हो तो राम 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 क्या नाम है आपका प्रहलाद जी नवीन जो आपका लड़का था मतलब तीन दिन पहले जो उसकी हत्या करी गई है मतलब के लागा आपने कोई लड़ाई झगड़ा था पहले हाँ जी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था पहले कभी भी ना कोई हमारी किसी से वो दुश्मन आई है हमने मैंने तो कुछ पता ही नहीं है हाँ जी मैं तो सापला गया हुआ था और रात को साढ़े नौ बजे आया था आते ही उसने दस पंद्रह मिनट के बाद में और हमें हम लेके चला गया और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया अच्छा। हाँ जी जैसे नहीं सुन में आया कि हरिद्वार जो है गया हुआ था हाँ जी हरिद्वार गए थे ये लेकिन हरिद्वार से आ चुके थे और बिल्कुल ठीक ठाक थे कोई ऐसी कोई बात नहीं थी ना लड़के ने कुछ बताई लड़ाई झगड़े की ना और किसी ने सुख शांति थी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अचानक ही वो शाम को घर आए हैं और घर से लेके उसको और बाहर निकाल के लाए और उसके साथ मार जो जो आरोपी हैं जो जिन्होंने हत्या करी है वह लेके घर तक हाँ वो हाँ जी वो घर से बुला के ले गए हैं बुलावी हाँ नवीन एक बार बाहर आइए तो उनकी पता नहीं आपस में क्या बात हुई है फिर उनका एकदम से वो झगड़ा हो गया और उसकी मार पिटाई की है और वो समझो के एक डेढ़ के बाद उसकी डेथ हो चुकी है। ये जो जो, जो मतलब फिलहाल नहीं।, नहीं जी कभी कभी मतलब ये तो बाहर रहा करता कभी कभी आपस में मिल जाते थे कोई ऐसी तो कोई बात नहीं थी ना कोई दुश्मन थी मतलब ये अपने सीधा पाध रहा अपना उस दिन तो कोई नशा में भी नहीं था ये बिल्कुल ठीक था कोई दिक्कत नहीं थी नशा इतना नहीं करता था खाली बीड़ी बीड़ी पिया करता और ज्यादा कोई वो नहीं था उसमें लेकिन कि इनके आपसी में क्या बात हुई है बाहर निकलते ज़्यादा समय नहीं लगाया वो तो बस पाँच सात मिनट के अंदर ही वो जो कुछ उनने करना था वो मार मूर के किस हथियार से मारे क्या कराया हमारे को इस चीज़ का कोई इस, पता नहीं किस टाइम की वारदात या? या है यार जी तकरीबन साढ़े छः बजे के आसपास की बजे के आसपास हाँ जी जिस टाइम पे घर से गया था मतलब के कह के, के गया था घर से तो ज्यादा दूर नहीं गया घर के पास ही में था घर के पास में ही आ, के तो पास मतलब में ही कर दिया तो मतलब पड़ोस जैसे वहाँ पर जब ये वारदात हो ये, तो किसी ने बताया नहीं कि भैया ऐसे से लग रहा नहीं जी नहीं जी किसी ने कोई था ही नहीं जी उस टाइम वहाँ पे कोई एक आधा होगा वो ये सोच ले ऐसे नशेड़ी आदमी है ये भाई इनके साथ क्यों खाम खम कड़वी बात है और बड़ी भी बात है मतलब बिना वजह हम शायद जो मच्छर होगा ना उसने भी नहीं मारेंगे तो तो कोई मालूम नहीं पड़ा अभी तक क्या वजह थी क्या नहीं थी वो तो जी अब वो प्रशासन ही उनसे पूछेगा भाई क्या वजह थी क्या नहीं थी ताकि हमारे को पता चले दोषी कौन कौन है इसमें इसमें दोषी है एक तो अमली है उर्फ रवि और एक मोनू है का लड़का और एक वो क्या नाम है? पिंक, भी पिंक हाँ जी तीन है जी ये अपने ही गांव के हैं हाँ जी अपने गांव के हैं थोड़ी थोड़ी दूर का फैसला है तो प्रशासन ने, ने उनको अरेस्ट उसी रात को कर लिया था जी और उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया है बाकी कार्रवाई अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो न्यायपालिका करती है बाकी प्रोसेस में चलेगा जी अभी कुछ प्रशासन ने बताया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाई के कुछ बयान दिए हैं नहीं हमारे को अभी इस चीज़ का कोई बयान नहीं दिया कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है आज के ये तीन आरोपी जो हैं पुलिस ने पकड़ के और कस्टडी में उसमें जेल में डाल दिए गए हैं और ये चीज़ें हमारे को इसके माध्यम से प्रशासन से पूछने की कोशिश नहीं करी कि वजह क्या है कुछ उगड़वा नहीं उन्हें उससे वजह का पिछलिए नहीं पता जी कल तो हम हरिद्वार गए हुए थे उसकी अस्थिया लेके परसों उसका हमने दाह संस्कारी किया है तो आज हम थोड़े फ्री हुए थे शाम को सोच रहे थे कि हम प्रशासन से बात करें इसकी जानकारी हम लें तो आज शाम को बात करेंगे प्रशासन से जाके कि भी इसका आगे का क्या कुछ मिला है आपको हमें थोड़ा बताओ क्योंकि तो कुछ पता चले तो हमें भी थोड़ा पता चले क्या मैटर है क्या नहीं है कुल मिला के मतलब जो हत्यारे हैं वे दोस्त थे इसके हाँ वो साथ उठने बांटने वाले ही थे साथ इनके आ, उन्हीं के साथ के साथ हादसे हुए हैं जिन्होंने हुआ है चीजें वाक्य में भाई बड़ा बुरा टाइम आ गया है हो शक है कि मैं इस चीज ने लेकर चलू कि नवीन पे कोई गलती हुई होगी नवीन ने कोई गलती करी होगी जो फिलहाल दोषी है उनकी लेकिन इसका मतलब यो नहीं कि किसी की हत्या कर दी जावे उसने जो गलती करी होगी वह इस त बड़ी नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी कि उन जो इसकी हत्या कर दी अगर कोई सी बात थी अपने परिवार ने बताओ इनके परिवार ने बताओ दोनों परिवारों ने बैठ के कुछ भी बात उसकी सुलह करवाओ अगर उसने कोई ऐसी गलती कर रखी थी तो भाई उसकी सजा दिलवाओ लेकिन उसको मारना उसकी हत्या करना किसी प्रकार का इंसाफ नहीं है खुद का भी उजाड़ा इनका भी उजाड़ा पूरी जिंदगी बुझेड़ में ये सड़ेंगे और पूरी जिंदगी उसकी याद में ये सड़ेंगे बिगड़ा तो किसका थारा दोनों आपस आप में नवीन ने कोई गलती देखो बड़ी बात है कि बिना गलती कोई किसी ने नहीं मारा करता यह बिल्कुल सच बात है लेकिन यह समझ में नहीं आ रही कि समाज को चाहत किस चीज की हो रही है क्यों एक दूसरे की जान लेने खातर तुल, तुल रहे हैं परिवार ने नहीं पता चला अभी तक कि उनकी आपस आप में इसी के बात हुई थी इनका कहना तो बस न्यू है कि ठे बैठे थे उठ उठे बैठा कर दे कुछ खाया पिया होगा किस बात को लेकर उनके आपस में जो है इतना बड़ा युवा विवाद बन गया कि उनने उसकी हत्या कर दी कलिंगा गांव के उसके खुद के दोस्त यानी कि दोस्त बनाया दुश्मन आपने सुनी होगी और गाना भी सुना होगा दोस्त दोस्त नहीं रहा तो भाई यहाँ पे वह चीज सच हुई है कलिंगा गाँव के खुद खुद कलिंगा गाँव के आरोपी है और इसे गाँव का यु छोरा था भाई जिसकी हत्या कर दी गई आज से तीन दिन पहले आपने के लाग है मेरी बात सुनने के बाद इस परिवार की बात सुनने के बाद कि के हो सका है इस मामला में के कारण हो उसको उसकी हत्या का कमेंट के जरिए आपने जरूर बतानी है और इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि मेरी कई बड़ी बात जो मैं कहन लग रहा हूँ कि भाई ये काम ना करो किसी की हत्या ना करो अगर कुछ गलती किसी पर हो रही है तो परिवार ने बैठाओ सुलह सुल करवाओ परिवार ने बैठाओ सुलह करवाओ कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं हो कर दी कि सुलझे जय नहीं और इस परिवार का दर्द जो इनके साथ में घटना घटी है वह सबके पास में चली जाओ है इस वीडियो को इतना शेयर करो भाई बाकी भाई कमेंट बॉक्स के जरिए आपने अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है धन्यवाद दोस्तों फिलहाल इस अपडेट में इतना ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत